पपल प्रीत को लेकर असम के डिब्रूगढ़ रवाना हुई पंजाब पुलिस, असम में होगी पूछताछ। पपल प्रीत पर लगाया गया एनएसए, सीसीटीवी वीडियो में कई बार अमृतपाल के साथ आया था नजर। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा ये किसी चमत्कार से कम नहीं। आज आम आदमी पार्टी ऑफिस में होने वाले जश्न में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी ऑफिस से कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा का बयान, बोले हम भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राजनीतिक स्टार्टअप हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होने पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलना बड़ी बात है। चुनाव आयोग ने एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से छीना नेशनल पार्टी का दर्जा, आंध्र प्रदेश में बीआरएस और यूपी में आरएलडी से क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के फैसले को चुनौती दे सकती तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी। नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म होने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर साधा निशाना, बोले पैसा खर्च करने से कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता। टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने पर सौगत रॉय का बयान आया सामने, कहा कई परेशानियां पार की हैं तो उसको भी पार कर लिया जाएगा। सांसदी गंवाने के बाद आज राहुल गांधी का पहला वायनाड दौरा, रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। अडानी केस पर राहुल के ट्वीट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल को घेरा, बोले आप अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांग लेते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर बोला हमला, राहुल से पूछा क्या खुद को फर्स्ट क्लास सिटीजन मानते हैं राहुल गांधी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर निशाने साधे, कहा कि राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़कर विदेश जाएं। जयपुर में आज सचिन पायलट का भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन, कांग्रेस ने कहा कोई दिक्कत है तो पार्टी फोरम पर उठाए मुद्दा, अशोक गहलोत आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी हितों के खिलाफ करार दिया, कहा कि आज इस तरीके से रंधावा आज सीएम गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात कर रहे हैं, इस अनशन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सचिन पायलट के अनशन पर सलमान खुर्शीद का बयान, बोले सभी एक विचार के नहीं हो सकते, सबकी बात का सम्मान करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची को लेकर विवाद है, कोलार सीट से चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं सिद्धारमैया, ज्यादातर सीट्स पर अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक 140 नामों को मिली मंजूरी। और आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी करेगी पूछताछ, लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी ऑफिस में पूछताछ होने जा रही है आज। अरुणाचल से चीन को अमित शाह की चेतावनी, कहा हिंदुस्तान की जमीन पर कोई भी नहीं कर सकता कब्जा, सेना के पराक्रम से सीमा सुरक्षित। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी की कोशिश, 9 किलो ड्रग्स के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई। आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई, कोर्ट सुना सकते हैं फैसला, याचिका दाखिल करने वाली 4 महिलाओं ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने की मांग की। हिंदू राष्ट्र पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बोले हिंदू राष्ट्र की मांग की जरूरत नहीं, देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के शुपड़खा वाले बयान पर किया समर्थन, ट्वीट में लिखा इंदौर अहिल्या देवी की संस्कार वाली नगरी है, पहनावे पर ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड में अवैध रूप से बनाए गए मजारों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है बैठक, बोले लैंड जिहाद के षड्यंत्र को खत्म करना है। बीजेपी नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या करने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, हमलावरों ने की थी कई राउंड फायरिंग। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विदेशी राजनायकों के लिए किया बैसाखी पार्टी का आयोजन, पार्टी में डांस करती नजर आई मीनाक्षी लेखी। और अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर।
रामनवमी के दिन मुंबई के मालवड़ी में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत किया गया शोभा यात्रा पर पथराव। दिल्ली एनसीआर में गर्मी की दस्तक, कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर उठाए गए ऐसे सवाल। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र सुप्रीम कोर्ट करेगा तय। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 साल की उम्र में लड़की की शादी को वैध करार दिया था। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मनीष कश्यप का आरोप, बिहार सरकार के इशारे पर झूठी एफआईआर दर्ज हुई है। कर्नाटक के बागलकोट में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की मुस्तैदी। मेरठ में बच्चे की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव पसरा हुआ है। गुस्साई पीड़ित ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की है। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती है। दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके में पुलिस को खेत में मिले हैंड ग्रेनेड, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। अतीक अहमद पर मायावती का बयान, कहा कि अतीक के परिवार में किसी को नहीं मिलेगा टिकट। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहले मेयर का टिकट देने की प्लानिंग थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने मायावती के फैसले का किया स्वागत, कहा अतीक के परिवार को बीएसपी से भी निकाला जाए। माफिया अतीक और उसके बेटे अली के खिलाफ तहरीर, 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। कोविड की तैयारियों को लेकर आज भी अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल के दौरान खुद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज रहेंगे मौजूद। और आइए अब आपको दिखाते हैं राज्यों की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह बहुत ज्यादा है। 30 अप्रैल तक केदारनाथ हेली सेवा की सारी टिकट्स की बुकिंग है। उत्तराखंड के बागेश्वर में गांव में गुलदार के 3 शावक दिखने से हड़कंप, गांव वालों ने वन विभाग को सूचना। और 12 साल की उम्र में 12वीं पास करने वाली इंदौर की तनिष्का ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम से कहा है कि मैं सीजीआई बनना चाहती हूं। एमपी के टीकमगढ़ की मोहसिन बानो ने यूपीपीएससी में हासिल किया 7वां रैंक। बेटी की सफलता को लेकर परिवार ने जाहिर की अपनी खुशी। उत्तराखंड में कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए इस महोत्सव में। झारखंड के जमशेदपुर में 18 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल। शास्त्री नगर में बवाल के बाद बंद की गई थी इंटरनेट सेवा। रांची में आज बीजेपी के सचिवालय घेराव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। राज्य सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 को लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में फायरिंग से मचा हड़कंप, मौके पर एक युवक की मौत। और राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम की सारी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। तो ललितपुर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले जीजा साला गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के रणहौला इलाके में युवती से मोबाइल छीनने का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया है, पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बागपत में ट्रैक्टर चालक को गोली लगी, बुलेट सवार 2 युवकों ने ट्रॉली से उतरकर धूल के कारण दिया वारदात को अंजाम। मथुरा में पुलिस एनकाउंटर के दौरान बदमाश घायल हुआ, पुलिस ने नकदी तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल की बरामदगी की है इससे। यूपी के अमरोहा में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। अयोध्या में महिला ने पुलिस पर लगाए छेड़खानी के आरोप, घटना के बाद ग्रामीणों ने की दारोगा की खूब पिटाई। कानपुर में 2 बीघे के खेत में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा।
समस्तीपुर में एक साथ 15 घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बिहार के बांका में शराब तस्करों पर एक्शन, भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की है। जम्मू कश्मीर के रामबन में रिश्वत लेने के आरोप में दो पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। बरेली में नाबालिग युवती के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में बांस से बनी हुई दुकान में आग लग गई, 6 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हुई है। औरैया में सड़क पर खड़े ट्रक में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। सीतापुर में रोडवेज की बस पलट गई, हादसे में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और क्राइम की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहराइच में सड़क पर दिखा सांडों का आतंक, मौके पर जान बचाकर भागते दिखे राहगीर। मुजफ्फरनगर में युवक की बेल्ट और डंडे से खूब पिटाई हुई है, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के जालौन में शादी के दौरान फायरिंग का मामला, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। आगरा में नॉनवेज खाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग, फायरिंग में 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। फतेहपुर में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल, अस्पताल में छात्र का इलाज जारी। आगरा में तलवार लहराकर बर्थडे केक काटने का वीडियो वायरल हो गया है, एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई है। महोबा में अवैध असलहों के साथ हिस्ट्री शीटर बदमाश का वीडियो वायरल, बदमाश पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। जौनपुर में टैक्स को लेकर टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट, पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के कोटा में चाकू पिस्टल की नोक पर व्यापारी से 5 लाख की लूट, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। और आइए अब आपको दिखाते हैं विदेश की सारी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। तोशाखाना केस में आज होगी इमरान खान की पेशी, इस्लामाबाद कोर्ट ने समन किया था। पाकिस्तान के क्वेटा में बम ब्लास्ट, विस्फोट में 4 लोगों की मौत, 15 घायल, फिलहाल किसी संगठन ने नहीं लिए हमले की जिम्मेदारी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की नई तस्वीर सामने आ गई है, सेना के अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। अमेरिका के आयोवा में युवक की निकली लॉटरी, रातों रात $40 मिलियन का मालिक बन गया शख्स। साल 2024 में एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं जो बाइडेन, टीवी इंटरव्यू दिया जो बाइडेन ने, इस बात का ऐलान किया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 412वां दिन, बखमुत में आमने सामने की लड़ाई जारी। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा, रूसी सेना का दावा 75% शहर अब उनके कब्जे में। जंग के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली, रूस ने 100 यूक्रेनी तो वहीं यूक्रेन ने 106 रूसी युद्ध बंदियों को रिहा किया। अमेरिका में थम नहीं पा रही गोलीबारी की घटनाएं, केंटकी में एक बैंक कर्मचारी ने अपने साथी कर्मचारी को चला दी गोली, गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनाया ईस्टर का जश्न, व्हाइट हाउस में लोगों से मुलाकात। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का नया फरमान, खुले लॉन वाले रेस्टोरेंट में महिलाओं की एंट्री पर रोक है, रेस्टोरेंट में पुरुषों से मिलने पर आपत्ति जताई है। फ्रांस में एवलांच से मरने वालों की संख्या बढ़ गई, अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मेक्सिको के टियुआना शहर में भूस्खलन से गिरी रिहायशी इमारत, खतरे को देखते हुए लोगों को पहले निकाला बाहर। ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा चीन, हमलों का प्लान दिखाते हुए चीनी सेना ने जारी किया वीडियो। अमेरिका में अबॉर्शन पर फिर से हंगामा हो गया है, बाइडेन प्रशासन ने गर्भ निरोधक दवा माइप्रोस्टीन पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए दाखिल की है अर्जी। ब्राजील में भारी बारिश के बाद फिर बने बाढ़ के हालात, बाढ़ से करीब 8,000 लोग प्रभावित। और आइए आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स की बड़ी खबरें फटाफट। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हार हुई है, लखनऊ ने बेंगलुरु को 1 विकेट से हरा दिया है। आखिरी गेंद पर हुआ हार जीत का फैसला, लखनऊ के खिलाड़ियों ने 1 रन के लिए लगाई दौड़।
टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सिर्फ 2 विकेट खोए, 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस के बीच रही 96 रनों की साझेदारी, लखनऊ के गेंदबाजों को परेशानी। आईपीएल में केकेआर की टीम के प्लेयर रिंकू सिंह ने पिता को गिफ्ट की कार, कार की कीमत 80 लाख रुपए। आज खेला जाएगा आईपीएल के 16वें सीजन का 16वां मैच, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का धमाकेदार ट्रेलर सामने आ गया है। रिलीज हुआ ट्रेलर, फिल्म को लेकर सलमान खान के फैंस में बहुत सारा उत्साह है। साउथ के एक्टर धनुष ने फिल्म मेकर मारी सेल्वराज से एक बार फिर से हाथ मिलाया, पोस्टर के साथ नया प्रोजेक्ट का ऐलान किया। रैपर उमेश काले के खिलाफ FIR दर्ज हुई, नए गाने को लेकर दर्ज हुई FIR, सरकार को बदनाम करने का आरोप है। दलजीत दोसांझ और निमरत खैर की फिल्म जोड़ी का ट्रेलर आज होगा रिलीज, 5 मई को सिनेमाघरों में फिल्म आएगी। और रश्मिका मंदाना फिल्म इंद्रधनुष में आएंगी नजर, इंद्रधनुष के सेट से शेयर की रश्मिका ने कुछ पिक्स। जी।